पायरेट्स बहुत ही खतरनाक होते थे। वो बीच समुंदर में अचानक अपीयर हो जाते थे और बड़ी बड़ी शिप्स को अटैक करके कैप्चर कर लेते थे। अब मैं पायरेट्स की तरह लड़ तो नहीं सकता, इसलिए मैंने ढूंढा है एक और इंटरेस्टिंग वे टू कैप्चर अ शिप। इनसाइड अ बॉटल। शिप इन अ बॉटल बनाने के लिए हमें चाहिए क्लियर बॉटल, राउंड टिप सेफ्टी सीजर्स, ग्लू, प्लास्टिक टूथपिक्स, कॉग, पेंट्स, मार्कर, पेंसिल, ब्रशेस, थ्रेड, कलर्ड पेपर एंड माउंट बोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं शिप इन अ बॉटल। सबसे पहले हम एक बॉटल लेंगे। ध्यान रखिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी क्लियर होना चाहिए। अब देख रहे हैं बॉटल काफी ब्रॉड है पर उसका नेक बहुत छोटा है। बट यही सबसे कूल बात है क्योंकि जब इसके अंदर एक बड़ा सा शिप होगा तो आपके फ्रेंड्स पता नहीं लगा पाएंगे कि उस शिप अंदर गया कैसे। तो सबसे पहले हम लेंगे पेंसिल और देखेंगे कि हमारे बॉटल की नेक की हाइट कितनी है। एक्यूरेट रहेगा उतना अच्छा है। माउंट बोर्ड लेंगे और मैं एक मार्क बनाऊंगा इस तरह। अब मैं इसको एक बोर्ड की शेप में ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसको कट करके देखते हैं। ये शेप आ गया हमारा। इसको बॉटल के अंदर डाल के देखते हैं। अब आसानी से इसके अंदर जा रहे हैं और हमने लेंथ भी देख लिया है कि हमारा शिप कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए बॉटल के अंदर। तो ये शेप रेडी है। इसी शेप से शिप का हल बनेगा, यानी इसकी बॉडी। तो मैंने ऐसे ही कुछ पीस कट करके रखे हैं। ध्यान रहे हर एक पीस फर्स्ट पीस से छोटा होना चाहिए ताकि जब आप उन्हें एक के ऊपर प्लेस करेंगे इस तरह से तो आपको हाइट भी मिलेगी और आपके शिप को शेप भी। अब इन्हें ग्लू कर देते हैं। सबसे छोटा नीचे और सबसे बड़ा ऊपर। जब ये सूख जाएगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब बनाएंगे शिप का मास्क और सेल, जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ टूथपिक। हमने प्लास्टिक टूथपिक्स लिए हैं क्योंकि वो आसानी से बेंड हो जाती है। तो इनको फिक्स करने के लिए छोटे कार्डबोर्ड के पीस कट करके रखे हैं जिसमें हम होल करेंगे। ध्यान रहे यू आर यूजिंग थंब पिन, तो आपको बहुत केयरफुली काम करना है ताकि आपके हाथ में ना लगे। इस तरह से एक सेंटर में और दो साइड में इस तरह आप इसमें टूथपिक्स को प्लेस कर दीजिए और थोड़ा इस पे ग्लू लगाएंगे। तो इस तरह से आपकी टूथपिक अच्छे से चिपक के स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और मेरे पास ये पहले से सूख के रेडी है, बनाते हैं इस पे सेल। अब हम देखेंगे कि हमारा सेल कितना बड़ा होना चाहिए। अब देख रहे हैं टूथपिक के बीच का गैप भी हमें पता रहना चाहिए। देखिए मैंने हाफ ही लिया यहाँ पे, मैंने इसको हाफ फोल्ड किया। अब इसको और हाफ करेंगे पर ध्यान रखेंगे इस बार हम यहाँ पे इस फोल्ड को प्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ज्यादा क्रीज नहीं चाहिए। और आप ये भी देख रहे हैं कि मैंने पेपर काफी पतला लिया है क्योंकि आसानी से फोल्ड होता है और उसी शेप में रहता है। अब एज पे मैं एक होल कर दूंगा यहाँ पे, नॉट ऑन द फोल्डेड साइड, द अदर साइड। तो सेल लगा के देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। पहले एक फोल्ड यहाँ पे जो होल किया उसके अंदर ध्यान से करेंगे ताकि पेपर फटे नहीं। दूसरा जहाँ हमने फोल्ड किया था वहां से उसको दोबारा इस तरह से होल में डालेंगे। अब एक और टूथपिक से इसको ओपन करेंगे। अच्छे फ्लैग और आपके सेल एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए क्योंकि वो दिखाते हैं कि हवा का फोर्स या फ्लो किस तरफ है। जब तीनों में लगा देंगे, देखिए मैंने तीनों टूथपिक में लगा दिया है। अब हम टूथपिक के एंड पर छोटे फ्लैग लगा सकते हैं। उसके लिए भी मैं ले रहा हूँ थोड़ा हार्ड पेपर बट टेक्सचर्ड पेपर। काटा एक छोटा पीस और इसको एक ट्रायंगल शेप में कट करेंगे इस तरह से। अब एज को थोड़ा फोल्ड कर देंगे। अब थोड़ा ग्लू लगाएंगे इस पे और इस तरह से आ गया फ्लैग। और इसी तरह से आप तीनों पे लगा सकते हैं। और इसको और अच्छा बनाने के लिए आप सेल से जो रोप्स निकलते थे वो भी दिखा सकते हैं। और इसी तरह से हम तीनों टूथपिक पे थ्रेड को बांध देंगे। अब हम इसको चिपका देंगे इसके बेस पर जो हमने बनाया था हल। इस तरह से हम ग्लू लगा के इस पे चिपका देंगे और चिपकाने के बाद ये कुछ इस तरह दिखता है। लग रहा है ना इंप्रेसिव। तो हमारा शिप तो हो गया है रेडी। हम इसको पेंट कर लेते हैं और क्योंकि ये कार्डबोर्ड है इसलिए अच्छा यही होगा कि आप इस पे एक्रेलिक या फिर पोस्टर कलर करें, बट अगर एक्रेलिक रहेगा तो बेस्ट है। और आप जैसे देख रहे हैं कि इसको पेंट करना एक ट्रिकी जॉब है, तो आप चाहें तो आप पार्ट्स को पहले से कलर भी कर सकते हैं। हमारा शिप हो गया है रेडी। तो चलिए अब इसको बॉटल में डाल के देखते हैं। हमने अब प्लास्टिक टूथपिक्स यूज किए हैं, इसको आराम से बेंड करा जा सकता है। वैसे ही बेंड करके हम इसको अंदर डालेंगे। केयरफुली करना है। अब ब्रश से सेल को थोड़ा खोल देंगे और फ्लैग के डायरेक्शन को क्लिक करेंगे। थोड़ा इसकी पोजीशन को थोड़ा सेंटर में लाएंगे। एंड हियर योर शिप इन अ बॉटल इज रेडी। और बॉटल के बेस के लिए मैंने इस तरह से
कार्डबोर्ड या माउंट बोर्ड के आप स्ट्रिप ले सकते हैं, एरो की शेप में कट किया ऐसे, और दो जगह से इस तरह से फोल्ड करेंगे, देख रहे हैं आप, और यहाँ पे एक कट बनाऊंगा ताकि इसके अंदर फिट हो सके। दिखाता हूँ किस तरह, देखिए मैंने पहले से बना के रखा है और ये एंड यहाँ इस तरह फिट हो जाता है और ये बन गया आपकी बॉटल के लिए बेस। इसी तरह से मैंने दो बनाए हैं जिसके ऊपर आप अपनी बॉटल को रेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब बॉटल पे लगा देते हैं कॉक और हो गया शेप इन द बॉटल तैयार। कंटिन्यूस प्रैक्टिस से आप इस टेक्निक में एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर आप बॉटल के अंदर बिगर और बेटर शेप्स बना सकेंगे। शेप इन अ बॉटल बनाने के लिए सबसे पहले एक क्लियर बॉटल लीजिए, फिर बॉटल नेक की हाइट मेजर कीजिए और उसी के हिसाब से शेप की बॉडी या फिर हल कार्डबोर्ड से बनाइए। उसको हाइट देने के लिए आप उसी शेप के कार्डबोर्ड पीसेस उसमें चिपका सकते हैं। मास्क बनाने के लिए प्लास्टिक टूथपिक यूज कीजिए क्योंकि वो बेंड हो सकती है। पेपर से बनाइए फ्लैग और सेल, और डेकोरेट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग और उसको कलर कर सकते हैं। और इसी तरह से आपका शेप इन अ बॉटल हो जाएगा तैयार।